गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शांतन आरन फ्रॉम एक्चुअल लर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी इंटरनेट बेसिक्स। लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको इंटरनेट का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पूरा इंटरनेट मार्केटिंग इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है। विदाउट इंटरनेट आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि लाइक आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको उसका बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक की लिए आपकी आगे की नॉलेज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसलिए मैंने जो अपना पूरा कोर्स है वो बेसिक से उठाया है। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट बेसिक, करते हैं लाइक व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली तो आज के टाइम में हर बच्चे को पता है कि इंटरनेट क्या है, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी एक लाइन समझते हैं कि इंटरनेट जिससे हमारा मोबाइल में नेट चल रहा है वो इंटरनेट पता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटरनेट है, बट आपको डेप्थ में भी तो जाना होगा ना कि इंटरनेट कहाँ से आया, कब इन्वेंट हुआ और क्या है ये, कैसे जुड़ा होता है। एयरटेल दे रहा है तो एयरटेल अगर आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो ये सब तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बट इंटरनेट है क्या, लाइक जो दो चीजों को जोड़ के रखता है, लाइक कंप्यूटर्स और लैपटॉप और मोबाइल। अगर लाइक आपने अपने कंप्यूटर से कोई डेटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर करना है या एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो इंटरनेट के माध्यम से होता है। लाइक उसका मीडियम जो है वो इंटरनेट है। और अगर हमें कुछ भी वेबसाइट या कुछ भी सर्च करना, गूगल में हम सर्च करते हैं तो हमें इंटरनेट की जरूरत है। आजकल आपने देखा होगा कि चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सभी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। अगर घर पे आपकी मम्मा है तो वो भी आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लाइक फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे। अगर इंस्टा पे नहीं भी है तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो अवेलेबल है ही। मोस्टली लोग इंटरनेट का यूज अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, लाइक जैसे कुछ लोग हैं कुछ सीखने के लिए इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, एंड कुछ लोग हैं जो लाइक कुछ लोग जैसे उन्हें अपने नियर बाय कुछ भी सर्च करना है उसके लिए इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। आजकल आपने देखा है कि लोग ऑफलाइन बहुत कम हो गए हैं। अगर उन्हें शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन करते हैं मैक्सिमम लोग। अगर उन्हें कहीं मूवी टिकट्स बुक करनी है, फ्लाइट टिकट्स बुक करनी है, कुछ भी वेकेशंस प्लान करने हैं तो इंटरनेट के मीडियम से वो बहुत इजीली चीजें अपना बुक कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक पहले का टाइम था कि आप रिजल्ट देखने में जाते थे तो बहुत कम लोग इंटरनेट को जानते थे तो वो बहुत अच्छे से चार्ज करते थे, लेकिन आजकल तो आप मोबाइल पे ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल है। कोई भी आप इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल से ले सकते हैं, न्यूज आप देख सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं, आप कोई कोर्स कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी हमारा ही कोर्स है ऑनलाइन है तो आपको घर बैठे हमारा ही कोर्स मिल रहा है, तो ये भी एक ऑनलाइन और इंटरनेट के थ्रू ही है। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। सो लाइक इंटरनेट क्या है, जो दो चीजों को जोड़ के रखता है, लाइक दो कंप्यूटर्स को, और चाहे वो वायर से, चाहे वो वाईफाई से, चाहे वो आपका लैन कनेक्शन हो, जो जोड़ के रखता है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो सेकंड है इसका हमारा इंटरनेट का एक, आप पिक्चर देखेंगे इसमें ग्लोब है और इसमें सभी चीजें आ रही है जैसे मैंने आपको बताया हर इंफॉर्मेशन के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनेट का इन्वेंट कहाँ हुआ था। इंटरनेट का इन्वेंट क्यों हुआ था, 1969 में हुआ था। इसको US आर्मी ने किया था और वो भी लीगल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बट धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ती गई और इंडिया में जो आया वो आया 1995 में। और जो ये इंटरनेट पूरा काम करता है एक सर्वर पे करता है, एंड जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराते हैं चाहे वो एयरटेल चाहे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कोई भी कंपनी हो, चाहे BSNL हो, जो फर्स्ट थी हमारे इंडिया में वो थी BSNL जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती थी। आई होप आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, लाइक अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जैसे भी है लाइक वी आर प्रोवाइडिंग लाइक फैकल्टी सपोर्ट। सो आप विदाउट एनी डाउट आप कोई भी अपनी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है, लाइक फर्स्ट मैंने आपको बताया जैसे BSNL ने शुरू किया था इंटरनेट का। अब क्या था कि स्टार्टिंग में क्या था, आप BSNL से कॉलिंग भी कर सकते हैं एंड इंटरनेट भी चला सकते हैं।
बट क्या होता था उस टाइम पे, आप या तो एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते थे, या तो आप कॉलिंग करेंगे या आप इंटरनेट चलाएंगे. फिर धीरे धीरे वो चीजें और इंक्रीज हुई, फिर दोनों चीजें लाइक एक साथ आप यूज करने लग गए, 3G 2G 4G, इस टाइम तो आप 4G का यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारे इंडिया में इसकी होने लगी. आज के डेट में इंटरनेट यूज करने का सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टाइप करने का. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर क्या होते हैं, लाइक आपको इंटरनेट के बारे में तो बता दिया, अब आपके पास इंटरनेट तो है बट आप सर्च भी करते हैं, वेब ब्राउजर का यूज भी करते हैं. बट कुछ लोगों को यही नहीं पता कि जहां वेब ब्राउजर का यूज तो करें बट उसको रियल में वेब ब्राउजर बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, अगर आप क्रोम में गए तो आप youtube.com google.com सर्च करेंगे. इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट पीपल यूज टू व्यू एंड एक्सेस वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट. आपको इसकी लाइन से भी समझ के आ गया होगा कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, लाइक क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोज़िला, ओपेरा, ये सब वेब ब्राउजर हैं. अब तो बहुत सारे नए वेब ब्राउजर भी आ गए हैं, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं. आप अगर मैं आपको कुछ भी बता रही हूँ तो आप नोटबुक और अपना पेन लेके बैठिए. कुछ होते हैं मेन मेन टॉपिक्स जिनको आप राइट डाउन कर सकते हैं. ये वेब ब्राउजर की पिक्चर है, इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा. कई बार हम कीड़ियों का यूज तो करते हैं बट बाय पिक्चर हम उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. तो हो सकता है आप इन सब चीजों का यूज तो करते हैं बट आपको अब नहीं बताओ कि यही वेब ब्राउजर है, तो इसीलिए मैं पिक्चर से भी आपको समझा रही हूँ. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज डोमेन. लाइक स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो आपको पता चल गया इंटरनेट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, अब डोमेन क्या होता है. तो डोमेन क्या है, जो गूगल लिखा हुआ है उसको हम डोमेन बोलेंगे. जैसे कि यूट्यूब, अगर हमारी वेबसाइट उठाएं तो तक्षशिला लर्निंग, ये हमारा डोमेन है. इसको हम एक थीम का डोमेन बोलते हैं, लाइक हमारा एजुकेशन का तक्षशिला लर्निंग डोमेन है. तो आज की स्लाइड में हमारा यही टॉपिक था, इंटरनेट बेसिक. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच.